हेलो दोस्तों, अभी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी से रिलेटेड एक अपडेट आ रहा है कि जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी है अपने एक ओल्ड स्ट्राइकर को रिटेन करने वाला है। तो कौन है वो स्ट्राइकर आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी से रिलेटेड अपडेट वगैरह मिलते ही रहता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी इसका नाम जो है मुझे पता नहीं है और कौन सा खिलाड़ी है उसके बारे में भी मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ खिलाड़ी के बारे में बताने वाला हूँ। ये जो है आ सकता है नॉर्थ ईस्ट में फिर से। तो डेशन ब्राउन, खासा कमारा, उगबेचे, निको फ्लेस, डिलियन फॉक्स, तो दोस्तों इनमें से ही एक खिलाड़ी जो है नॉर्थ ईस्ट में वापस आ सकता है, ऐसा गाइस अपडेट निकल के आ रहा है। तो दोस्तों अभी जो है हम इन सारे खिलाड़ी के बारे में थोड़ा डिटेल्स में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट बात करते हैं डेशन ब्राउन के बारे में। तो डेशन ब्राउन ने जो है गाइस नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, और नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ इन्होंने बेंगलुरु एफसी में भी अपना परफॉर्मेंस दिखा चुका है। तो डेशन ब्राउन के द्वारा प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। तो डेशन ब्राउन जो है जमैका से बिलोंग करते हैं। इनके एज के बारे में बात की जाए तो 32 इयर्स के है, और ये जो है स्ट्राइकर के पोजीशन में खेलता है, मतलब सेंटर फॉरवर्ड के पोजीशन में खेलता है। और इनका मार्केट वैल्यू भी ज़्यादा नहीं है, 1.6 करोड़ है इनका मार्केट वैल्यू। तो डेशन ब्राउन जो है गाइस एक बहुत ही अच्छा प्लेयर है, और इनका मार्केट वैल्यू भी बहुत कम है, और अभी ये विदाउट क्लब है। तो अभी देखते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी इनको साइन करते हैं कि नहीं। तो अभी दूसरे प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों उसके बाद बात करते हैं निकोलस वेलेस के बारे में। तो निकोलस वेलेस जो है गाइस बहुत ही अच्छा प्लेयर है, फेडरिको गैलेगो के बाद निको वेलेस को लोग बहुत पसंद करते हैं नॉर्थ ईस्ट एफसी में। बात करते हैं निको वेलेस के एज के बारे में, तो वो 33 इयर्स के यंग खिलाड़ी है। और इनके पोजीशन के बारे में बात किया जाए तो ये सेंटर फॉरवर्ड के पोजीशन में खेलता है, और ये जो है अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं उगबेचे के बारे में। तो उगबेचे भी बहुत ही अच्छा प्लेयर है, इनको भी नॉर्थ ईस्ट के फैंस बहुत पसंद करते हैं, और ये जो है अभी हैदराबाद एफसी के साथ खेल रहे हैं। और इन्होंने गाइस केरला ब्लास्टर, मुंबई सिटी एफसी और हमारे नॉर्थ ईस्ट एफसी में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है उगबेचे ने। तो दोस्तों उगबेचे जो है नाइजेरिया से बिलोंग करते हैं, और इनके एज के बारे में बात करें तो 38 ईयर्स के है, और गाइस मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, आराम से खेल पाएंगे। और इनके पोजीशन के बारे में बात किया जाए तो ये सेंटर फॉरवर्ड के पोजीशन में खेलते हैं। तो उगबेचे उदट क्लब तो नहीं है, लेकिन ये हैदराबाद एफसी के साथ खेल रहे हैं अभी, और हैदराबाद एफसी में ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो उसके बाद बात करते हैं डिलियन फॉक्स के बारे में। तो डिलियन फॉक्स ने भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, और ये अभी विदाउट क्लब है, और ये जो है गाइस ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करता है, और ये सेंटर बैक के पोजीशन में खेलता है। बात करते हैं इनके एज के बारे में, तो 29 ईयर्स के एक यंग खिलाड़ी है डिलियन फॉक्स, और इन्होंने नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। नॉर्थ ईस्ट के साथ इन्होंने एफसी गोवा और जमशेदपुर एफसी में भी अपना परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं। तो अभी जो है ये विदाउट क्लब है, तो नॉर्थ ईस्ट एफसी इनको भी शायद साइन कर सकता है। तो अभी देखते हैं नॉर्थ ईस्ट के मैनेजमेंट इनमें से किसी को साइन करता है कि नहीं। ऐसा तो अपडेट आ रहा है कि इनमें से एक आने वाला है नॉर्थ ईस्ट एफसी में फिर से। तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी से रिलेटेड अपडेट वगैरह मिलते ही रहता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत।